तो आपने देखा आपका अपना पसंदीदा शो कितनी मेहनत, शिद्दत और लगन के बाद तैयार होता है और एक लंबी चौड़ी टीम इसमें दिन रात लगी रहती है। इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, और आज आपको दिखाने वाले हैं मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई शहर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का रिपोर्ट कार्ड। इंदौर की जनता कई पैमानों पर अपने सांसद शंकर लालवानी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में लग गई है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद शंकर लालवानी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है, काम और उनके विशेष योगदान के लिए यानी कि उसके आधार पर 10 में से सांसद शंकर लालवानी को कितने नंबर मिल रहे हैं। सदन में उपस्थिति यानी कि संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद शंकर लालवानी 96% 96% उपस्थित रहे, यानी सदन की कार्रवाई में सांसद शंकर लालवानी का प्रेजेंस शानदार दिखाई दे रहा है। सदन में इंदौर लोकसभा क्षेत्र और देशहित में सांसद शंकर लालवानी हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद ने करीब 90% सवाल पूछे हैं, 90% जो इंदौर और देशहित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में यानी कि विकास कार्यों के लिए डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद शंकर लालवानी ने करीब 70% सांसद निधि का उपयोग किया है। पिछले 5 साल में इंदौर में किए गए विशेष काम और देशहित में उनका विशेष योगदान अगर देखें तो करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई देता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च यानी कि उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को 10 में से 8.4 नंबर मिल रहे हैं, जो कि एक बेहतर यानी कि शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। 10 में से 8.4 नंबर। तो आपने देखा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.4 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी इंदौर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई इंदौर की जनता के दिल में आखिर क्या है। हमारे बीच में जो सांसद है सरल सहज है, बिल्कुल यही रहना चाहिए, इसको रिपीट करना चाहिए। सर्वप्रथम पार्टी है पर व्यक्तिगत व्यक्ति को देखकर भी नहीं होता है, बस दूर से ही रामलीला हो जाती है। हाँ खुश है शंकर लालवानी से। हाँ आते हैं आपके सांसद से आप खुश हैं? तो काम होता रहता है, अच्छे से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बदल देंगे, क्योंकि बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल आते हैं काम, बिल्कुल खुश है ना भाई साहब, खुश क्यों नहीं होंगे, विकास ही इतना हुआ हमारे शहर में, आज उनकी बदौलत तो हमारा शहर नंबर वन पे। नहीं खुशी नहीं मिलती, नहीं हमें तो सांसद हमारे कहाँ है, पहचानते नहीं हम कौन सांसद है इंदौर में। नहीं अब तो बदलाव होना चाहिए ना, अब तो बदलाव बहुत जरूरी है ना, अब तो बिल्कुल नहीं आते आपके सांसद, आपके क्षेत्र में नहीं आते, नहीं आते। आपके सांसद आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, खुश नहीं उनसे, बिल्कुल नहीं, नहीं कभी नहीं आए। आप सांसद तो खुश हैं? क्या खुश होना उसमें, अब आए तो खुश होएगा, आते ही नहीं तो कहाँ से खुश होंगे। बदलना चाहिए, हर आदमी को मौका देना चाहिए, ये स्वच्छता का शहर है इंदौर, इसके इसको साफ सुथरे जो स्वच्छ है शहर उसको बनाया है तो अच्छा है कि अच्छा सांसद आएगा तो अच्छा विकास होगा और अच्छी उन्नति होगी, देश विदेश में हमारा नाम होगा। इंदौर में
आते हैं, कोई कार्यक्रम रहता जब आते हैं, बाकी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर कार्यक्रम में जाना कभी उधर। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद शंकर लालवानी को 10 में से 8.4 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब इंदौर की जनता खुले दिल से दे रही है, या खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा यानी कि ये फैसला जनता क्या कह रही है निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब इंदौर की जनता दे रही है। देखते हैं पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हां कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं 15%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हां कहने वाली जनता है 71%, 71%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 9%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हां कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हां कहने वाली जनता है, जी हां, ये आंकड़ा बताएगा कि आखिर सांसद शंकर लालवानी अपने क्षेत्र इंदौर में कितने लोकप्रिय है। हां कहने वाली जनता है 80%, नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं यानी डोंट 10%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? जी हां, फिर एक बार यह आंकड़ा देख सुन सांसद और उनके कार्यकर्ताओं की और पार्टी की पांचे खिल जाएंगी। 90% जनता कहती है हां, नहीं कहने वाली 6% और पता नहीं 4%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हां कहने वाली जनता है 70%, 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हां कहने वाली जनता है 75%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं 14%। जी हां, इंदौर के सांसद के काम से क्षेत्र की जनता काफी खुश दिख रही है आंकड़ों के आधार पर, हमारे सर्वे में जो निकल कर आया। तो कई लोग उनके काम से नाराज भी दिखे। इंदौर में पार्टी के आधार पर जहां वोट देने वालों की कमी नहीं है, तो कई लोग शंकर लालवानी को फिर से सांसद के तौर पर भी देखना चाहते हैं। मोदी फैक्टर फिर एक बार अहम दिखाई दे रहा है, लेकिन कई लोगों का ये दावा है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शंकर लालवानी अपने काम के बलबूते अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। हमारे सर्वे में इंदौर के सांसद का प्रदर्शन संसद की अपेक्षा ग्राउंड में ज्यादा बेहतर दिखाई दिया है। ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर इंदौर की जनता सांसद शंकर लालवानी को 10 में से 8.5 नंबर दे रही है, 10 में से 8.5 नंबर। आइए अब जानते हैं सांसद शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है। आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.4 नंबर मिले हैं। वहीं इंदौर संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं
और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद शंकर लालवानी जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इंदौर की जनता ने सांसद शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। शंकर लालवानी बेहतर और शानदार नंबरों से पास हो गए हैं। जी हां, सांसद शंकर लालवानी आखिरकार जनता की नजर में, इंदौर की जनता की नजर में पास हैं। सांसद शंकर लालवानी तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक यानी कि आप तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, स्टूडेंट, कारोबारी, किसान, मजदूर, इन सब से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया है। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा अपने दर्शकों तक पहुंचाती है यानी आप तक पहुंचाती है। और आज इंदौर के सांसद जिसमें बेहतर नंबरों से पास होते दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में, जी हां, आपके अपने पसंदीदा शो एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर दिखाएंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।